आतंकवादी हमारे लोगों को मार रहे थे और हमारे डॉक्टर्स उसकी मरहम पट्टी करना चाहते थे। मैं जानता हूं वो उनका प्रोफेशनल एथिक्स है कि एक डॉक्टर को अपने मरीज का बैकग्राउंड नहीं देखना चाहिए, लेकिन मेरे पास उस समय ऐसे महान आदर्शों के लिए वक्त नहीं था, क्योंकि मुझे कसाब से इंफॉर्मेशन की सख्त जरूरत थी जिसके जरिए ताज, नरीमन हाउस और ओबराय में फंसे लोगों को बचाया जा सके, और आखिरकार उसे मेरे पास लाया। कसाब को जब मैंने पहली बार देखा तो मैं हड़बड़ा गया था, चौंक गया था। कई सालों के अपने तजुर्बे से ये जानते हुए भी कि जरूरी नहीं कोई खतरनाक आदमी खतरनाक दिखे, मैं फिर भी चौंक गया। कसाब ये इतना नाटासा, मुझे यकीन नहीं हो रहा था इस 20 साल के लौंडे ने मेरे शहर में इतनी तबाही मचाई थी। उस समय मेरी सबसे बड़ी मुश्किल ये थी मुझसे और मेरे ऑफिसर से उसे बचाना। हम सभी उसे मारना चाहते थे। अपने आप पे मैंने काबू रखा और जल्द से जल्द उससे इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करने लगा।